हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सभी तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार और तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आपको पहली बड़ी खबर बता दे कि दोस्तों अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन खतरे के बीच मंगलवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक होगी। बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने जैसी बात की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद शर्तों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा। ट्रेन प्लेन से आगमन की फिलहाल छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा शादी धार्मिक स्थान जैसी जगहों को लेकर भी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों को लेकर खासी नजर रखी जा रही है। इन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मिलने वाली रियायत हर जगह नहीं होगी, सिर्फ ग्रीन जोन में ही रियायत मुमकिन है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, दिल के ऑपरेशन के बाद गंभीर खतरे में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खबरें आ रही हैं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह और प्रमुख किम जोंग उनकी सर्जरी के बाद हालत नाजुक है। अमेरिकी के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने न्यूज चैनल CNN को बताया कि इस तरह की खबरों की अमेरिका निगरानी कर रहा है। बता दें कि किम जोंग उन हाल ही में 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दे, कोरोना संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों की अमेरिका में बसने पर अस्थाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ये बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, 29 दिन बाद शिवराज कैबिनेट का गठन, सिंधिया खेमे के 2 नेताओं समेत 5 मंत्रियों ने ली शपथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के 29 दिन बाद राज्य में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। आज 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 2 सिंधिया खेमे के हैं। सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत मंत्री बने हैं। इन दोनों लोगों ने कमलनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि मध्य प्रदेश में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे, लेकिन अगले ही दिन लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था। तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत के अलावा नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल गठन में क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का खास ध्यान रखा गया है। नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर चंबल से नाता है, तुलसी सिलावट मालवा से हैं, गोविंद राजपूत बुंदेलखंड से हैं, मीना सिंह महाकौशल व विंध्य और कमल पटेल निमाड़ इलाके से आते हैं। साथ ही जातीय समीकरण को भी महत्व दिया गया है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दे, केंद्रीय टीम के पहुंचने पर भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कई राज्यों ने जरूरी कदम उठाए हैं। इसी का आकलन करने के लिए केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे केंद्रीय दल के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि ममता बनर्जी ने सोमवार को पूछा कि राज्यों में लॉकडाउन मानदंडों के सफलतापूर्वक का आकलन करने के लिए किस आधार पर 6 इंटर मिनिस्ट्रियल केंद्रीय दलों का गठन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए कहा, गृह मंत्री ने मुझसे फोन पर करीब 1 बजे इस बारे में बात की और बताया कि इंटर मंत्रालय केंद्रीय टीमें मेरे राज्य का दौरा करेंगी। दुर्भाग्यवश टीम कोलकाता में सुबह 10:10 पर ही पहुंच चुकी थी। मेरे बातचीत से बहुत पहले ही बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों से यह अपील करती हूं कि वे इसके लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों को साझा करें। तब तक मैं सशक्तित हूं और ऐसे बिना किसी पुख्ता कारण के हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल कराएंगे मीडिया कर्मियों को कोविड-19 टेस्ट। महाराष्ट्र में 53 पत्रकार मिले हैं पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार राजधानी में मीडिया कर्मियों का कोविड-19 का टेस्ट कराएगी। एक ट्वीट का जवाब देते हुए केजरीवाल ने यह बात कही। एक व्यक्ति ने अपने ट्वीट में मीडिया कर्मियों के लिए कोविड-19 के टेस्ट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। व्यक्ति का कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया कर्मियों का टेस्ट कराया है, उसी तरह दिल्ली में भी पत्रकारों का टेस्ट होना चाहिए। बता दें कि इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि निश्चित रूप से हम भी ऐसा करेंगे। बता दें कि दिल्ली में मीडिया कर्मियों का टेस्ट कराए जाने की मांग ऐसे समय उठी है जब महाराष्ट्र में 53 पत्रकार कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। बीएमसी के प्रवक्ता विजय खबाले ने सोमवार को बताया, कुल 171 मीडिया कर्मियों की जांच की गई, जिनमें 53 केस पॉजिटिव मिले। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, चीन छोड़कर भारत में फैक्ट्रियां लगा सकती हैं 1000 कंपनियां। भारत सरकार से चल रही है बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छीन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, तैयार है 20 रुपए का चमचमाता सिक्का, जल्द ही बाजार में आएगा नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन करेंसी में अब नए सिक्कों की सीरीज में अब 20 रुपए का सिक्का भी शामिल होगा, जल्द ही इसे बाजार में देखा जा सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 मार्च 2019 को सिक्कों की नई सीरीज जारी की थी। इस सीरीज में 20 रुपए के सिक्कों को भी शामिल किया गया था। बता दें कि वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस सिक्के में 12 कोने होंगे। 11 साल बाद कोई नया सिक्का जारी हो रहा है। इससे पहले मार्च 2009 में 10 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, लॉकडाउन में हाईवे पर यात्रा के दौरान नहीं होगी मुश्किल, भारत सरकार ने किया जे खास इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाईवे पर यात्रा के दौरान अब आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस डैशबोर्ड पर आपको रास्ते में पड़ने वाले ढाबे और गाड़ियों के मैकेनिक की दुकान जैसी काम की जानकारी मिल सकेगी। सरकार की ओर से शुरू की गई इस सुविधा का सबसे अधिक फायदा लॉकडाउन के दौरान देश में एक जगह से दूसरी जगह जरूरी सामान ले जाने का काम कर रहे ट्रक चालकों को मिलेगा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, वित्त मंत्रालय ने की सरकारी बैंकों की सराहना, कर्मचारियों को मिलेगा 20 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने उन सरकारी बैंकों की तारीफ की जो इस संकट में अपने कर्मचारियों को मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में 20 लाख रुपए तक का बीमा संरक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, इस मुश्किल वक्त में भी देश भर में सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी बैंक कर्मियों का अभिनंदन। सरकारी बैंक अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस समेत स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत की स्थिति में एक मुआवजा राशि भी देंगे। बता दें कि सूत्रों ने बताया कि बैंक कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अपने खुद के बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। कोरोना वायरस से मौत की स्थिति में कर्मचारी के परिजनों को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, दिल्ली सरकार ने 23,000 ऑटो चालकों के खाते में ट्रांसफर किए 5,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को कहा कि सरकार को कुल 1,60,000 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 23,000 ऑटो चालकों को उनके आधार और खाता संख्या की पुष्टि करने के बाद सीधे ट्रांसफर स्कीम के जरिए 5,000 रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 से अधिक आवेदनों का सत्यापन
ओपन किया जा चुका है और हम किसी भी समय फंड को उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा पीपीई की जमाखोरी कर महंगे दाम पर बेच रहा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन ने मास्क और निजी सुरक्षात्मक उपकरण की जमाखोरी कर रखी है, साथ ही अब वो उन्हें ऊंची दर में बेच रहा है। अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के पास इस बात के सबूत है कि जनवरी और फरवरी में चीन ने 8 गुना अधिक मास्क और निजी सुरक्षात्मक उपकरण मंगाए थे, जिसे अब वह ऊंची दरों पर बेच रहा है। उन्होंने कहा उनके पास 2 अरब से ज्यादा मास्क थे, उन्होंने चश्मे और दस्तानों दोनों के अपने खर्चे को बढ़ा दिया। नवारो के मुताबिक यूरोप, भारत, ब्राजील और अन्य देशों के पास पर्याप्त पीपीई नहीं है क्योंकि चीन इसकी जमाखोरी कर रहा है। अधिकारी ने कहा चीन न सिर्फ इसकी जमाखोरी कर रहा है बल्कि इसे ऊंची कीमतों पर भी बेच रहा है। वो दुनिया को इसे निर्लज्जता से अत्यधिक कीमतों पर वापस बेच रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।